हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फनी गेमर्स। और आज हम बैज 99 भैया की गेमप्ले देखने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और सच में क्या मुन्ना, और फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ भैया, वो तो है, उससे पहले वो कूद गया था लेकिन पता नहीं वो कहाँ। अच्छा, तो यहीं पे मुझे लगा वो भाग गया करके। उसका मतलब लॉबी में ऐसे भी लोग आए जो अपने आप को शेर समझ रहे हैं। वो भी अकेला ही बंदा था, शायद वो भी सौरभ से स्क्वाड खेलने आया है। यहाँ की खिड़की से आ रही थी गोलियां चलने की आवाज। काम करते ना, हम लोग ऊपर ही भाग जाते हैं। कब तक बैठे रहेंगे हम लोग यार, वो एक ही तो प्लेयर है, इतना नहीं डरेंगे हम। हाँ, लगता है यहाँ पे कोई बंदा है। स्क्वाड के सामने नहीं डरता, ये तो एक ही बंदा है। और ये फेंका मैंने दिवाली वाला पटाखा, थोड़ा सा डैमेज लगा है। बाद में अपडेट लाने के बाद इन्होंने किंग फिशर को बढ़िया बना दिया। किंग फिशर और MP5 चलाएंगे हम लोग। अब लगता है यहाँ पे और भी शेर आए हैं। देखो अभी भी गोली चल रही है, इसको मारता हूँ। ये सही पोजीशन मिल गया अपने को। अरे पहले डाउन हो गया, किल चुरा लेता हूँ टाइम पर। क्या बात है, किसने डाउन किया? इसने किया, हेडशॉट लग गया। सही, तो बचाने जा रहा है शायद। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बैज खुल गया। तीन के लिए यहाँ पे बैठे बैठे मिल गई, उनको तो पता भी नहीं चलोगा कि भाई गोली पड़ कहाँ से रही है। कितनी सही पोजीशन हुआ इस वक्त में। और लोग को भी देख लेते हैं, दिख कोई भी नहीं रहा है। एक चलो या फिर एक्समेट, समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आज हम एक्समेट ही चलाते हैं। अब बस हमको UMP ढूंढनी है MP5 की जगह। शॉटगन नहीं चलाएंगे आज, SMG वाली गन चलाएंगे। पहले थोड़े बैग में स्पेस बना लेते हैं। चार किस तो हमारे उतरते ही हो गए, अभी भी पूरे 29 बंदे अलाइव। अरे भाई पीछे कहाँ से आए? पीछे कोई तो है, नीचे तो आए थे अभी हम। ये मेरे ख्याल से रिवाइव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मार देंगे। और क्या बात है, ओए बैच भैया ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। मजा आ गया, और धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अभी तो उसको मारा था मैंने। मैच भैया ने जिस पहले बंदे को मारा था, लगता है ये उसी का टीम मेट होगा। दो चीज को बचाने आ जाए, फिर हमारी पार्टी हो जाएगी आज तो पीक में। चलो तब तक हम लोगों के डब्बे लूटे थे जिनको हमने मारा था। क्या ये मस्त किल्स मिले ना यहाँ पे। हम लोग बस वहाँ पे बैठे थे, हमको बैठे बैठे तीन किल्स मिल गए थे। तीनों के क्रेट्स मैंने लूट ली, पर उसका किल नहीं आया जिसको हमने डाउन किया था ब्रोकन हाउस पे। चलो भाई अब किल आ गया। अरे वो देखो, अभी कोई पीछे वहाँ पे पहुंच के रिवाइव करने के लिए। फुल स्पीड में जाना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग रिवाइव हो जाए। जो तीन प्लेयर्स मैंने अभी खाए हैं वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे सिर्फ एक प्लेयर की वजह से। बस आई विश कि मैं टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाऊँ। वैसे अगर रिवाइव हो भी जाए तो बढ़िया ही, अपने को ज्यादा किल मिल जाएंगे। यार इतनी जल्दी रिवाइव कैसे कर सकता है? क्या लगता है दोस्तों, क्या मैं इसमें पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। और तेज भाग, और तेज भाग, नहीं पहुंच पाएंगे। चलो कोई नहीं, इसको तो हम खाए देंगे कम से कम। May I come in? अरे किसको स्नाइपर से मारा यार ये? हम बस 3-4 सेकंड्स लेट हो गए, फिर अपनी टीम को भी रिवाइव नहीं कर पाता। इसके टीममेट्स पक्का पीक में ही आएंगे। अब मुझे जमीन से ज्यादा आसमान में देखने की जरूरत है। इसके पास भी कुछ खास लूट थी नहीं यार। वैसे 6 किल्स हमारे हो गए हैं और नीचे की साइड तो कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से। पिंग तो देखो आज क्या ही चल रहा है भाई का, 18 पिंग भाई साहब, बाप रे। ये बहुत ही रेयर मोमेंट होता है मेरे लिए। तो हम लोग चलते ऊपर की साइड, क्योंकि ना वो लूट करने के लिए इसी घर में जाएंगे, क्योंकि उनको तो पता है नीचे की साइड कौन है। तो नीचे तो वो नहीं आने वाले, वो लोग पक्का ऊपर ही कूदे होंगे और वो रिवेंज लेने पे जरूर आएंगे। चलो पहले उनको ढूंढते हैं वो कहाँ पे है। पर ये कूदा वो खिड़की से, देखो एक तो दिख गया। आ जा भाई, एक हेड लगा, वाह नाइस यार, आज तो क्या ही हेड पड़ रहा है, मजा आ गया। एक्सीमेट सही चल रही है आज। दूसरा बंदा भी आ गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, अभी कूदा था शायद, खाली इसके हाथ में पेन था, तवा लेके दौड़ने में लगा वो इधर से उधर। दो डाउन हो गए और वो रहा तीसरा वाला, वाह ये भी अभी कूदा था शायद। यहाँ पे कोई कार है, फिर कार में भाग रहा था, फिर लूट करने भागे थे, पता नहीं डब्बा या कार से कुछ भी हो सकता है। वाह यार क्या ही सीन हो रहा आज तो। अभी जस्ट मैंने इनकी स्क्वाड को मारा था, फिर दोबारा वो रिवाइव हुई और आते आते मैंने इनको फिर से मार दिया, लेकिन अभी भी इनका एक प्लेयर बचा यार। अरे भाई, भैया प्लेयर तो यहाँ पे कूदे थे वो मुझे दिख गए, बाकी इसका चौथा प्लेयर पता नहीं कहाँ कूदा। वो चौथा प्लेयर भी आसपास ही कूदता तो उसका पूरा स्क्वाड रिवाइव हो जाता। अभी लोग फिर से रिवाइव हो जाएंगे देखना पक्का। आसपास जितने भी रिवाइव पॉइंट है ना उनके आसपास ही रहूंगा मैं इस बार। हाँ वैसे सही बात है, पेज भैया ने तीन बंदों को तो मार दिया, लेकिन उसी के टीम का एक मेंबर अभी भी बचा हुआ है, और वो रिवाइव पॉइंट पे जाके उन्हें वापस भी बुला सकता है। घर में तो नहीं दिख रहा कहीं पे। और वो रहा दोस्तों देखो आखिरी वाला प्लेयर, दोबारा नीचे भागे रिवाइव करने के लिए। ये लोग खेलने से ज्यादा रिवाइव होने आए यार, फाइट एक भी प्लेयर नहीं ले रहा है, या फिर कह सकते हैं इनको फाइट लेने का मौका ही नहीं मिला, वो आते ही मर जा रहे मेरे हाथों से। अब अगर ये अभी फिर से रिवाइव कर देगा ना, मैं फिर से इनको ढूंढ के मार दूंगा देखना पक्का। ये देखो रिवाइव कर दिया इसने। वैसे रिवाइव पॉइंट की स्पीड बढ़ गई है, मुझे लग रहा है कितनी जल्दी से रिवाइव हो रहे हैं। के भी गरीबी था शायद, कुछ भी नहीं था इसके बाद, आते आते रिवाइव करा इसने। और जरा देखो दोस्तों आसमान में कौन है, ऊंचाइयों में ये बंदे झूला झूल रहे हैं। पीछे इनकी स्क्वाड आ रही है, एक को तो हवा में हेडशॉट लग गया, दूसरे वालों को भी मारने की कोशिश करते हैं, हवा में मर जाएगा, ऐसे भी मजा आ जाएगा।
पर मेरे पास एमओ बहुत कम बची है यार, थोड़ा आगे चलते हैं। आउट ऑफ रेंज जा रहा है वो बार बार। मर जा मर जा मर जा। चलो एक तो हवा में मर गया और एक जमीन में आने के बाद मर गया। अब फिर से दो प्लेयर्स रह गए यार। अब पता नहीं हम कहाँ कहाँ ढूंढते रहेंगे इन लोगों को। ये स्क्वाड वाले भी कह रहे होंगे यार ये कौन प्लेयर है जो हमारे पीछे पड़ गया हाथ धोके। मैंने उनको अच्छा तीन बार मार दिया, दो बार मैच भैया ने स्क्वाड वालों को बार बार मारा है। कौन से लॉबी में आ गए हम लोग, बस मरे ही जा रहे मरे ही जा रहे। बीड़ू आज रेड क्रिमिनल बोले तो एकदम फॉर्म में आज सफा। अरे वाह क्या बात है भाई भैया, क्लास के। पर फिर भी लास्ट में एक प्लेयर इनका रह जा रहा है जो इनको बार बार रिवाइव कर रहा है। पर इस बार मैं इनको रिवाइव नहीं करने दूंगा। यहाँ पे कार मिल गई ना, हर बार हम लोग लेट हो जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, लेकिन इस बार हमारे पास सुपर फास्ट कार है तो टाइम पे पहुँच जाएंगे। फिलहाल तो कोई भी यहाँ पे रिवाइव पॉइंट यूज हो नहीं रहा है आसपास, बट आई एम श्योर कि आसपास वो जरूर आएगा रिवाइव करने के लिए। तब तक हम अपनी यूएमपी ढूंढ लेते हैं यार, कब तक MP5 चलाते रहेंगे। लगता है इस घर में यूएमपी तो है नहीं, पर कोई बात नहीं, अब हम चलते सीधे अपनी कार में क्योंकि किसी भी वक्त रिवाइव पॉइंट यूज हो सकता है। वो प्लेयर्स रिवाइव करने के अलावा और कुछ कर थोड़ी रहे हैं, बस रिवाइव ही करे जा रहे हैं। और ये देखो दोस्तों कार में बैठती ऊपर और ये क्या गाड़ी में से धुआं निकल रही है, वो भी पिंक कलर की, और कितनी अजीब बात है हमारी गाड़ी भी। अरे भैया वो धुआं नहीं है, वो तो छोड़ी हट रही है यार। बस यहीं तक चलते हैं, इसके बाद देखो चलवा और तेज और तेज, बस यहीं तक छोड़ दे मुझे, बाकी काम हमारी बंदूक करेगी। अरे वो गया कहाँ, रिवाइव तो हो रहा है लेकिन पक्का लेटा होगा देखने आसपास। ये देखो लेटा हुआ है वहाँ पे। अरे भाई ये कौन है क्या पीछे से, मुझे लगा स्क्वाड वाइप हो गई है, छोड़ गए ना इसके बाद। सही खिला ये प्लेयर तो, पर हमारे सामने कहाँ टिक पाएगा। क्रोनो भी उसने अपने एक्टिवेट कर दिया था फिर भी कुछ नहीं कर पाया। टोटल हमारे दोस्तों अभी 14 किल्स हो गए, अभी भी 18 प्लेयर्स अलाइव है। और इन किल्स में से तीन बार तो मैंने एक ही स्क्वाड को मार दिया, लेकिन हर बार ना एक एक इनका प्लेयर लास्ट में बच जाता था। पर फाइनली इतनी देर बाद अब जाकर इनकी पूरी स्क्वाड वाइप हुई है, वरना मुझे तो लग रहा था आज पूरा गेम इनकी स्क्वाड वाइप करने में निकलेगा। अब चलते हैं सीधे अपनी F1 कार में और देखते हैं बाकी की स्क्वाड्स कहाँ पे चिपके बैठी हुई है। किल्स बहुत सारे मिलने वाले हैं जिस हिसाब से आप बंदे अलाइव है। नीचे एक और रिवाइव पॉइंट यूज हो रहा था लेकिन वो तो आउट ऑफ जोन है यार, वहाँ जाके फायदा नहीं है। एक काम करता ना, मैं यहीं पे वेट करता हूँ, यहीं आसपास से अगर वो दिख जाए तो सही है। गाड़ी ले जाने का फायदा नहीं है, चढ़ाई में अगर फंस गई तो मैं भी वहीं फंस जाऊंगा। पर ये उस्ताद है कौन जो जोन के बाहर रिवाइव कर रहे हैं, लगता है इस गेम में खेलने वाले कम और रिवाइव करने वाले ज्यादा हैं। ये रहा देखो वो प्लेयर, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। एक हेड लगी और सीधे हेडशॉट। तो करण भाई साहब पीछे रिवाइव कर रहे थे लेकिन जोन आ गया, पर इसने कहा रिवाइव वगैरह छोड़ो पहले अपनी जान बचाओ, टीममेट से चक्कर में मैं जोन के बाहर मर जाऊंगा। और ये चल पड़े अपनी जान बचाने जोन के अंदर, पर इनको कहां पता था कि पहाड़ी के ऊपर ऑलरेडी रेड क्रिमिनल नाम की एक वस्तु इनका इंतजार कर रही है। वैसे अभी भी पूरे मैप में दो रिवाइव पॉइंट बचे हुए हैं क्योंकि जोन के अंदर है। 15 किस्त दोस्तों हमारे यहाँ पे हो गए हैं और देखो लेफ्ट में को अपना रिवाइव पॉइंट यूज कर रहा है, बट आई थिंक मैं वहाँ पे भी पहुंच नहीं पाऊंगा, तो अभी उनको छोड़ देते हैं, लास्ट में उनको जोन के अंदर ही तो आना है, जोन के अंदर उनसे मुलाकात कर लेंगे। बस कार को अपने पास संभाल के रखना है क्योंकि अब लास्ट सर्कल में ना ये कार ही हमारे काम आने वाली है सुलो से स्क्वाड में, वरना मैं तो भागते रह जाऊंगा यार। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, इस कार की स्पीड बहुत सही है प्लेन मैदान में। ये देखो एक और प्लेयर मिल गया और ये सीधे उड़ेगा। अरे नहीं यार ये तो पहले रुक गया। अरे अरे ये भाई साहब तो झाड़ियों में चिप रहे हैं, क्या ही प्लेयर था भाई। और लेकिन गाइस भैया की चील जैसी नजरों से कहां बचने वाला है। एक पल के लिए अगर वो वुकोंग करेक्टर भी लेके आता तो मैं मान लेता चलो भाई झाड़ी बन गया, पर वो अपने मन ही मन सोच रहा होगा ऑलरेडी गेम के अंदर इतनी सारी झाड़ियां हैं इन्हीं में मैं छुप जाता हूँ। डबल बैरल थी वैसे उसके पास भी। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे यहाँ पे 16 किल्स कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी पूरे 12 प्लेयर्स अलाइव हैं, तो देखते हैं दोस्तों हम लोग पूजा कर पाते हैं फिर नहीं। और अभी तक तो हमें UMP भी नहीं मिली है। इस एरिया का मैंने इतने सारे चक्कर लगा दिए लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं यार हमें। 16 किल्स में हमारी सुई रुक गई है। अब मेरे ख्याल से ना मुझको ये शॉप वाले एरिया के आसपास ही रहना चाहिए क्योंकि कहा गोली मार रहा हूँ मैं, ये भाग रहा है उसको पता चल गया भाई साइलेंसर पीछे आगे नहीं, अब उसको पता चला भाई गोली कहाँ से पड़ रही है, शायद ये अकेला बंदा है। अरे भाई मेरे पीछे भी कोई आ गया, इसका टीममेट ही होगा पक्का, और उसके पास UMP है। अब मिलेगी हमको UMP वालों को भी हेडशॉट जड़ दिया हमने। मेरे पास तो SMG भी खत्म होने वाली थी यार, अच्छा हुआ इससे SMG मिल गई। 17 किल्स हमारे हो गए, ऊपर UMP वालों को मार के 18 किल्स हो जाएंगे और फिर हम इससे UMP भी ले लेंगे क्योंकि लेवल 7 की UMP करी यार, उसको भी तो चलाना है हमें। मेरी गाड़ी भी फोड़ दी थी यार UMP वाले ने, बस थोड़ी हेल्थ रहेगी मेरी गाड़ी की भी, लास्ट जून तक गाड़ी बचा के रखनी है हमने। दोस्तों टोटल अब हमारे यहाँ पे हो गए 19 किल्स और प्लेयर रह गए सिर्फ 7।
अब मैं थोड़ी बहुत लूट के लेता हूँ, सबसे मेन तो यूएमपी लूट लेते हैं और फिर देखते हैं बाकी के प्लेयर्स हमें कहाँ मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आखिरकार हमको यूएमपी तो मिल ही गई है, अब लास्ट के प्लेयर हम लोग यूएमपी से ही मारेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। लूट तो लगभग हो ही गई है हमारी, मैंने भर भर के रख लिया सारी एसएमजी, एक्सीमेट की एमओ मैंने कम कर दी है। बस यार एक दिक्कत रह गई, अब ये प्लेयर्स अपने आप ही मरते जा रहे हैं। ये देखो पता नहीं कहाँ फाइट हो रही है इन लोगों की। मेरे को लग रहा था कि मैं इन लोगों को मारूंगा ज़्यादा ज़्यादा किल सुन के, पर ये लोग पहली मर जा रहे बताओ। और मैं पता भी नहीं चल रहा है, इतना छोटा तो मैं बचा हुआ है, एक यहाँ पे शॉप बची हुई है बस, तो इसी के आसपास हमको रहना पड़ेगा। पक्का कोई ना कोई यहाँ पे रिवाइव करने आएगा अपने दोस्त को। अब अलर्ट रहते हैं हम लोग, बीचों बीच हैं हम लोग, फाइट के लिए बेस्ट पोजीशन इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। अब तो बस दो प्लेयर्स रह गए दोस्तों, अगर हम इन लोगों को मार देंगे तो हमारी हो जाएगी शानदार वाली बुआ 21 किल के साथ। यहाँ पे से ना अभी मुझे किसी ने स्नाइपर मारी थी शायद, पता नहीं मुझे मारी थी या फिर किसी और को, साइलेंसर वाली थी ना तो पता नहीं चल पाया। इसे टावर के या पत्थर के पीछे ही है वो बंदा। अब तो वैसे भी सर्कल स्टार्ट हो गया, अब तो नीचे आना ही पड़ेगा इन लोगों को। चलो आगे चलकर देखते हैं कोई शॉप के पीछे तो नहीं आ गया। ये देखो गाइस मुझे लग ही रहा था शॉप के पीछे कोई आया है बैठे बैठे। अपने दोस्त को रिवाइव कर रहा है भाई इतनी जल्दी, ऐसे कैसे रिवाइव कर लोगे भाई। रिवाइव कर दिया शायद इसने, नहीं करा नहीं करा, एक प्लेयर बचा है बस। अरे भाई शायद से वो ग्रीन क्रिमिनल जैसा लग रहा था मुझे, और रेड क्रिमिनल वर्सेस ग्रीन क्रिमिनल, इंटेंस सिचुएशन दोस्तों यहां पे हो सकती है 1v1। आसमान में तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से, ये वो प्लेयर सामने ही है बस। लास्ट बॉम्ब से इसको बहाने की कोशिश करते हैं, ये गलत चले गया नेड, थोड़ा साइड में फेंकते हैं, वाह वो भी वहीं टकरा गया। चलो कोई नहीं, कि स्पेल फेंक देता हूँ, अब तो बाहर आना पड़ेगा। ये देखो ग्रीन क्रिमिनल ही है वो भी, रेड क्रिमिनल वर्सेस ग्रीन क्रिमिनल दोस्तों, क्या लगता है कौन जीतेगा। हेलो चचा बाहर आओ, और ये होगी गाइस हमारी शानदार प्रिया 21 किल के साथ दोस्तों। काफी मजा आया इस गेम प्ले में, सबसे बेस्ट दिन तो गाइस वही था जहाँ पर हमने एक ही स्क्वाड को बार बार मारा, हमने उन लोगों को लूट करने का भी मौका नहीं दिया। आई होप गाइस आपने भी वीडियो एंजॉय करी होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं तब तक के लिए बाय बाय।